हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो so वाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर की ट्रिपल आईटी टी बैंगलोर इनकी तरफ से भी इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एच एज वेल एज बाकी कोर्सेज जैसे यहाँ पर आपको मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी दिख रहा है जिसकी लास्ट डेट नाइन्थ में है इसके अलावा ई में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है नाइन्थ में अगेन लास्ट डेट देन एम के भी फॉर्म्स एक्टिव हैं सो अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई हम इस स्पेसिफिक वीडियो में पी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा लाइक like भी कर सकते हैं कमेंट भी कर सकते हैं कोई इशू है कोई सजेशन है, है तो एंड यस yes, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लीजिएगा सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आई टी बी डॉट ए सी डॉट इन इस पर विजिट करेंगे आप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है सो so विजिट करेंगे तो यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं स्क्रॉल होते हुए सो so इसमें जब आएगा ऑप्शन एम एस बाई रिसर्च का एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लास्ट डेट है एटीन ऑफ अप्रैल सो so, हम डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एडमिशन ओपन पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसपे बाकी इन्फॉमेशनस मिलेंगी सो येस यहाँ पे यू कैन सी दैट दी एप्लीकेशन पोर्टल इज नाउ लाइफ प्लीज़ रजिस्टर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन ऑन द रिसर्च एडमिशन पोर्टल सो ये पोर्टल है इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फी है रुपीज़ वन थाउजेंड जो कि नॉन रिफंडेबल है आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर जो लिंक है इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं ब्राउजर में या आई थिंक क्लिक करेंगे तो ओपन भी हो जाएगा पेमेंट करने के लिए राइट right, देन कोई क्वेरी है आपको तो आप ई कर सकते हैं रिसर्च डॉट एडमिशन पे राइट नाव यहाँ पे सेक्शन है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट एडमिशन सेलेक्ट करेंगे तो एडमिशन से रिलेटेड देन ऑनलाइन एप्लीकेशन कोर्स फी अकोमोडेशन स्कॉलरशिप देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एफ इंपॉर्टेंट डेट कारिकुलम सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर रिटर्न टेस्ट सो देखिए सबसे पहला ऑप्शन था अबाउट एडमिशन सो उसे क्लिक किया तो यहाँ पे ओपन है एम एस बाई रिसर्च भी अवेलेबल है एंड पी एच डी भी है एंड ट्वेंटी ट्वेंटी सेशन के लिए है रिसर्च डोमेन्स आप देख सकते हैं दैट देर आर सेवन रिसर्च डोमेन्स एंड इसमें इसमें एक्सेप्ट फॉर मैथ्स एंड बेसिक साइंसेज वहां की सभी के लिए प्रोग्राम्स ओपन है फॉलोइंग टेबल लेस्ट और रिसर्च डोमेन्स क्या क्या है देखिए सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस जिनके एरियाज आप देख सकते हैं इंडिकेटिव एरियाज उसके बाद है डेटा साइंसेज उसके बाद नेक्स्ट है आई एंड सोसाइटी उसके बाद है मैथ्स एंड बेसिक साइंसेज जिसमें मैथ्स फ़िजिक्स है ठीक है इसमें सिर्फ पी अवेलेबल है मैथ्स एंड बेसिक साइंसेज में देन नेटवर्किंग कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग है जिसमें दोनों ही कोर्सेज हैं देन सिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है फिर वी एल एस आई है एंड येस सो ये ओवरऑल सेवन्थ है जिसमें बेसिक साइंसेज दैट इज फिज़िक्स इन मैथ्स में सिर्फ पी एच डी है एमएस नहीं है बाकी सब में दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं राइट right? उसके बाद है कि अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो पी एच डी एंड आप अप्लाई करना चाहते हो तो यस आप कर सकते हैं एंड आपको एन वगैरह सबमिट करना होगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है सो so यस उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइज सेंटर्स एंड लैब्स हैं ट्रिपल आई टी बैंगलोर के जैसे सबसे पहला ई एच आर सी है ई हेल्थ रिसर्च सेंटर जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आई थिंक अवेलेबिलिटी है ओके okay, रिसर्च से रिलेटेड कौन कौन से फील्ड्स हैं कौन कौन से वर्कस ऑन गोइंग हैं इसी तरह से नेक्स्ट सेंटर मशीन इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का है सिमिलरली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है देन सेंटर फॉर इंटरनेट ऑफ एथिकल थिंग्स है ना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए गुड अकेडमिक रिकॉर्ड के साथ एंड कहीं भी अगर एप्लीकेबल हो तो टेक्निकल ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए आपको क्या होगा प्रोसेस तो लिखा हुआ है दैट आपको बेसिकली नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि देना होगा या फिर आपका डोमेन स्पेसिफिक कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट ट्रिपल आई टी बैंगलोर इंटरव्यू से पहले होगा ये देन रिसर्च डोमेन स्पेसिफिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है तो देखिए अगर आप कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस एल एस आई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड नेटवर्किंग कम्युनिकेशन एंड सिग्नल बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग में ओके एम एस बाई रिसर्च के लिए या एम एस रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड है एंड मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए ये रिक्वायरमेंट है एडिशनल स्पेसिफिक क्या है तो कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ये yes, आपके पास गेट या जी आर ई स्कोर होना चाहिए जो कि लास्ट फाइव ईयर्स का हो ओके विद इन लास्ट फाइव ईयर्स का आपके पास ये होना चाहिए स्कोर uh, राइट right? उसके बाद है कि अगर आपके पास

के स्कोर के बेसिस पे होगी राइट देन यहां इंटरव्यू भी होगा देन डेटा साइंसेज है so, इसके लिए भी गेट एग्जाम किया हो आपने कंप्यूटर साइंस में उसके बाद फोर्टी फाइव मिनट रिटर्न इंटरव्यू होगा ओके ट्रिपल आई टी बैंगलोर की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा पीएचडी के लिए आपके पास मार्स एमएससी होना चाहिए या फिर एम टेक हो कंप्यूटर साइंस में तो भी आप एलिजिबल हैं एमएससी मैथ या सीएस है तो भी आप एलिजिबल हैं स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग किसके बेसिस पे होगा सो टेस्ट स्कोर होगा एंड बाकी डिटेल्स होंगी उसके बाद इंटरव्यू ये ओवरऑल प्रोसेस है वी एस आई के लिए भी सेम है ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा फिर इंटरव्यू होगा इसमें गेट रिक्वायर मैंडेटरी नहीं है बट डिजायरेबल है राइट देन नेटवर्किंग ने, ने कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग सो कंप्यूटर नेटवर्कस में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो सिमिलरली एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो उसके बाद बेसिक्स जो है सिग्नल प्रोसेसिंग के वो कवर होने चाहिए देन मैथ्स के लिए क्या एरियाज हैं फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स भी आप में लाइक आपको आनी चाहिए आई थिंक यही लिखा हुआ है नेक्स्ट एम एस बाई रिसर्च के लिए सो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं क्राइटेरिया क्या है फोर ये बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए आई थिंक ये एम एस बाई रिसर्च के लिए है येस देन मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग मैम एम टेक हो ठीक है ये है पी एच डी की रिक्वायरमेंट देन रिटर्न एग्जाम होगा फिर इंटरव्यू होगा एंड गेट स्कोर के लिए लिखा हुआ है दैट अगर आपके पास गुड गेट स्कोर है तो आप होंगे रिटर्न एग्जाम से एंड आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं फिजिक्स के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर है एमएससी इन फिजिक्स है या मास्टर्स डिग्री है रिलेटेड डिसिप्लिन में तो आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास नेशनल टेस्ट जैसे नेस्ट सॉरी नेस्ट नहीं जेस्ट है या गेट या नेट क्वालिफिकेशन है तो आप एग्जेमट हो सकते हैं रिटर्न एग्जाम से यह आपको बाद में पता चल जाएगा मैथ्स के लिए भी सिमिलर है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो चाहे वो नेट हो या एन हो एम कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड प्रोसेस सिमिलर है नेक्स्ट आई एंड सोसाइटी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड बाकी प्लीज एब पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा एंड येस गेट वगैरह की रिक्वायरमेंट है अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बट है तो ये yes, आपको एनकरेज किया गया है इट वुड बी गुड नेक्स्ट बैचलर्स डिग्री के लिए है कि आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं सो so, गाइज एक बार फिर से प्लीज आप इसे पढ़ जरूर लीजिएगा फेलोशिप की बात करें सो एम एस रिसर्च में अगर आपका एडमिशन होता है तो ट्वेंटी पर मंथ फेलोशिप अवेलेबल है फुल टाइम पी स्कॉलर्स के लिए स्टूडेंट के लिए 38, पर मंथ की फेलोशिप uh, अवेलेबल है ना एक बार जैसे कोर्स वर्क करते हैं फुल स्टॉप है सो आई थॉट ये so पहले के लिए बट एक्चुअली यहाँ पर ये लिखा है कि तक आपको फेलोशिप मिलेगी थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड वो कंप्लीट करने के बाद आपको फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ मिलेगा थ्री इयर्स

भी होते हैं चेंज भी हो सकते हैं हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है उसके बाद जिसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पोर्टल सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे प्रोवाइड कर देंगे दे देंगे आप देख लीजिए कोई क्वेरी है सो so आप इस ई मेल आई मेल कर सकते हैं देन इंपॉर्टेंट डेट सो सेवंथ ऑफ मार्च से स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन अनाउंसमेंट हुई है एंड फिफ्टीन ऑफ मार्च से जो पोर्टल है वो एक्टिव हुआ है एटीनथ अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स जिनका रिटर्न या इंटरव्यू होना है उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा नोटिफाई किया जाएगा रिटर्न एंड इंटरव्यू की डेट डिपेंड करेगी सिचुएशन पे बट यस ट्वेंटी जून से ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून के बीच में होगा देन बाकी सारी डेट्स हैं तो इन्हें आप देख सकते हैं देन रिसर्च डोमेन्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जैसे सी एस एस उसके बाद सारे ही यहाँ पर डोमेन्स हैं तो आपका जो भी डोमेन हो आप एक बार देख लीजिएगा उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को फैकल्टी के नाम भी दिए हुए हैं नेक्स्ट एफ एक यूज एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है सो so, आप ब्रोशर चाहें तो देख सकते हैं ठीक है एम एस बाई रिसर्च एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का उसके बाद यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन है सो एक बार आप चाहें तो देख ले जरूर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में दैन एफ ए क्यूज़ हैं एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सो तो आप एफ़ क्यूज़ वगैरह को एक बार देख लीजिएगा वैसे आई थिंक हमने सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया एप्लीकेशन फ़ी कोर्स फी देन एकोमोडेशन स्कॉलरशिप क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स से तो एक्चुअली हमने सारा वन बाय वन करके देखा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स कवर्ड है देन करिकुलम इंफॉमेशन आप ज़रूर देख सकते हैं यहाँ पर जिस भी प्रोग्राम के लिए देखना हो क्लिक करके आप मैनुअल को देख सकते हैं रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या होगा जो कि अपडेट होगा बाद में या इंस्ट्रक्शन फॉर रिटर्न टेस्ट तो ये भी आपको बाद में अपडेट किया जाएगा सो यस गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रिपल आई टी बैंगलोर से रिलेटेड ये पोर्टल का लिंक है आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो so मार्क्स से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए बट येस गेट वगैरह से रिलेटेड जो भी थी इन्फॉर्मेशन वो हमने इसमें वीडियो में कवर कर ली है सो so यस yes, अगर अभी तक आपने देखा है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल